अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा नाज एंड टुडे वी डिस्कस आर पेज नंबर 66। कंप्लीट दिस एंड मेक श्योर ईच आंसर इन इट्स लोवेस्ट टर्म। आपने इन्हें कम्प्लीट करना, लोवेस्ट टर्म में आंसर निकालना। फिर ये एडिशन के क्वेश्चन है फ्रैक्शन के साथ, वैसे ही आपने इसका एलसीएम ले लेना है जैसे आपने लास्ट लेक्चर में लिया था। तो 3 1 3 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 5 और 5 3 15। यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा 15। 15 को दोबारा से आपने डिवाइड करना है 3 पे, 3 5 15। तो ये जो 5 आया है इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 प्लस फिर 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 15। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब 10 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16/15। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब 16/15 आपका आंसर आया है लेकिन आपने इसे लोवेस्ट टर्म में लिखना है। 16 और 15 की एक टेबल पे कटिंग भी नहीं हो सकती। हम इसे क्या करेंगे, 16 को 15 पे डिवाइड कर देंगे, 15 1 15, 6 में 5 माइनस किया 1, तो आपका 1 1/15 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है मिक्स्ड क्वेश्चन का। ये कैसे करेंगे, 6 1 नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6 1 6 और 5 उसमें ऐड कर देंगे तो 11/6 प्लस 2/5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 का और 5 का, 2 3 6 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 5 5 3 15 15 2 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एलसीएम में, 30। अब 30 को 6 पर डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 5 × 11 प्लस 30 को 5 पर डिवाइड करूँगी तो 6 × 2 फिर क्या आ जाएगा, 11 5 55 प्लस 6 2 12 डिवाइडेड बाई 30। 55 में 12 प्लस करेंगे, 2 5 7 और 5 1 6 67/30। अब क्या करूँगी, 67 को डिवाइड कर दूँगी 30 पे, 32 60 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 7/30 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने अपने बाकी दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।